हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई प्रॉब्लम है तो वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते जो फ़ोन की सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन आएगी। फिर जो वाईफाई प्रॉब्लम है तो वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल आपको सर्च करना है रीसेट। तो सर्च करते जो रीसेट सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई प्रॉब्लम है तो वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने इस पर जाएंगे। और जो भी रीसेट सेटिंग्स है, तो जो भी वाईफाई प्रॉब्लम है तो उसको सेट ओपन करेंगे और वाईफाई सेटिंग को यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही जो वाईफाई प्रॉब्लम हमारे फ़ोन से सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल आपके आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है और सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। फिर आपको सर्च करना है या सिंपली बैक करके आपको चले जाना है सिस्टम पे। सिस्टम सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएगी। रीसेट पे जाएंगे, रीसेट भी ओपन हो जाएगा। फिर आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी रीसेट डाटा है उसको यहाँ से वाईफाई डाटा को रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही वाईफाई प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और साथ में आप मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ सेटिंग को भी रीसेट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।